आज फिर हम बताएंगे कि इतिहास में ऐसे ऐसे महान महान तपस्वी, यज्ञ करने वाले और साधना करने वाले, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले, इतना घोर तपस्या करके भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया। तो बीती के पुत्र जो हिरण्यकश्यपु था, उसने और वह ब्रह्मा का बहुत ही भक्त था, ब्रह्मा को बहुत ही वो आराधना करता था, और उसने ब्रह्मा को पसंद करने के लिए घोर तपस्या किया, जो कि हमारे श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि आज तक ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया था, और आगे ऐसा कोई तपस्या कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतना घोर तपस्या करना असंभव है किसी के लिए जो हिरण्यकश्यपु ने किया। तो उसने लगातार 36,500 वर्ष तक कंटिन्यू अपने अंगूठे के बल पे खड़ा होके और अपने दोनों हाथ को ऊपर करके घोर तपस्या किया और ब्रह्मा को पसंद कर लिया, किंतु फिर भी उसका हृदय कभी शुद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद उसने इतने पाप कर्म करना चालू कर दिया, ब्राह्मणों को सताने लगा, गायों की हत्या कराने लगा, और अपने भक्त, अपने शिशु प्रहलाद को भी बहुत उसने अपराध किया, अपने शिशु प्रहलाद को बहुत उसने दुख दिया, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे। और फिर आता है प्रसंग रावण का, जो कि शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। और हम लोग जो आजकल यज्ञ करते हैं, इसमें तो लकड़ी, घी, यही सब डालते हैं, इससे ज्यादा हम लोग का यज्ञ तो कुछ नहीं है रावण के यज्ञ के आगे, क्योंकि जो रावण यज्ञ करता था वो इतने महान महान यज्ञ करता था, जिसमें वो एक एक करके अपने 10 सरों की आहुतियां देने लगा, और उस आहुति देने के कारण भगवान शिव उससे पसंद होके उसको सोने का लंका दिए, किंतु फिर भी वह लंका पाकर भी इतना दुष्कर्म करने लगा, सीता का अपहरण किया, और लास्ट में वो रावण, भगवान राम के हाथ मारा गया। किंतु उससे पहले उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या करने से भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और तीसरा उदाहरण आता है कंस का, जो कि दुर्गा देवी का बहुत ही बड़ा भक्त था दुर्गा जी का, और वो अपने इतने कर्म कांड किए, इतना कर्म कांड करने के पश्चात भी उसका हृदय कभी शुद्ध नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यपु इतने साल तपस्या करने के पश्चात भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, और रावण को भी इतना यज्ञ करने से हृदय शुद्ध नहीं हुआ, और कंस को इतना कर्म कांड करने के पश्चात भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। किंतु यदि कोई एक बार भी कृष्ण या राम का नाम ले लेता है तो तत्काल ही उसके हृदय से सारे पाप उस छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि जिस प्रकार एक जंगल में, मैं उदाहरण बताता हूं आपको, कि जिस प्रकार एक जंगल में शेर होता है, शेर को दहाड़ते ही सारे पशु इधर उधर भाग जाते हैं, कोई सामने नहीं आता शेर का, उसी प्रकार जैसे कोई कृष्ण का या राम का नाम लेता है तो जितने पाप कर्म है, जितने हमारे अंदर पाप है, ये सब एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं और उस आपका हृदय छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए, ना कि कलयुग में कोई यज्ञ कर सकता है, यज्ञ से भी आपकी शुद्धि नहीं होगी, हृदय की शुद्धि नहीं होगी, तपस्या से भी शुद्धि नहीं होगी, और कर्म कांड से भी नहीं होगी, केवल हरि नाम के द्वारा ही आपके हृदय की शुद्धि हो सकती है। हरे कृष्णा।